सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एंड्रॉइड फोन के ऐप्स के बारे में। दोस्तों अगर आपके पास वाईफाई कनेक्टर नहीं है या फिर शेयरिंग भी नहीं है और जेंडर भी नहीं है, तो आप ऐसे में कोई भी अपने फ्रेंड को जो है APK फाइल जो कैसे भेजते हैं ब्लूटूथ से, वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो का एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है, उसके बाद इस ऐप को जो है आपको इंस्टॉल करना है, APK शेयर ऐप सेंडर ब्लूटूथ। ओके, तो अब इस ऐप को जो है यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये ऐप जो है थोड़ा सा लोडिंग लेता है, तो हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास अपने एंड्रॉइड फ़ोन में जितने भी ऐप्स थे उसके यहाँ पर APK फाइल्स आपको शो हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है कौन से ऐप को जो है आपको शेयर करना है ब्लूटूथ से। तो मैं यहाँ पर ये वॉलपेपर और ओपेरा मेन्यू को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है सेंड एंड शेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर ब्लूटूथ का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है अपना ब्लूटूथ जो है ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपके फ्रेंड को जो है आप सेलेक्ट कर APK फाइल भेज सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल में ऐप्स को जो है ब्लूटूथ के जरिए भेज सकते हैं अपने फ्रेंड को। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।